Hey guys, welcome back to my channel Tweet of Tia और मैं हूँ टिया। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक लुक क्रिएट करने के लिए जो आप लोग पूजा में दिन के टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हो और थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप रात के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड अपकमिंग वेडिंग के लिए ये बेस्ट है। दिन के टाइम में बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि दिन के टाइम में क्या पहनना चाहिए, क्या लुक क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं फुल लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ, हेयर स्टाइल से लेके साड़ी एंड मेकअप विथ मिनिमम प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी में हूँ इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर कर दूंगी, तो फिर मैं जल्द से जल्द कर पाऊँ, वरना मैं अगर बातें करते हुए मैं हेयर स्टाइल एंड फेस करूँगी तो फिर नहीं होगा। तो पहले मैं हेयर स्टाइल करूँगी, मुझे ये आसानी लगती है क्योंकि फेस करने के बाद हेयर स्टाइल कभी कभार हड़बड़ी में नहीं होता है। तो मैं फेस बाद में करूँगी, पहले अपना हेयर जो है वो करूँगी। और मैंने फेस में पूरा मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन सब कुछ लगा लिया है, मतलब मेरा फेस बिल्कुल प्रेप है। और मैंने हेयर कॉम्ब भी कर लिया है और मैं यहाँ पे सिंदूर जो है सिंदूर हाईलाइट करना चाहती हूँ इसलिए थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ। अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर सिंदूर हाईलाइट नहीं करना चाहते हो तो आप थोड़ा दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, मैं बताते जाऊँगी वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले ही मैं यहाँ पे करूँगी अपना हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल के लिए सामने मैं पफ करने वाली हूँ। तो मैंने पहले ही जैसे बोला है कि मैं यहाँ पे सिंदूर को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मांग यहाँ पे दिखा रही हूँ। अपना जो पार्टीशन है, मिडिल पार्टीशन है, वो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। अगर आप सिंदूर दिखाना नहीं चाहते हो या फिर आप अनमैरिड गर्ल हो तो फिर यहाँ से आप पूरा सामने से लेके मांग अपना ढक के आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं। यहाँ पे कोई मैंने टूल हेयर टूल यूज़ नहीं किया है और जस्ट लाइक दो बॉबी पिन से मैं यहाँ पे अपने बालों को जो है सिक्योर कर रही हूँ। जितना ज़्यादा चाहिए आप उतना ज़्यादा अपने बॉबी पिन लगाइए क्योंकि बॉबी पिन के हेल्प से ही आपका पूरा हेयर स्टाइल जो है सिक्योर रहता है। और मेरा जैसे हमेशा ऐसे होता है कि मैं दो बॉबी पिन लगा लेती हूँ तो मेरा सामने का पफ जो है बहुत अच्छे से रहता है। अगर आपके सामने का हेयर जो है थिन है बहुत, तो आप हेयर टूल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पीछे में ब्रेड बना रही हूँ, तो साइड सेक्शन लेते हुए मैं यहाँ पर ब्रेड बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी एक गलती कर दिया है। तो एक्चुअली ये हेयर स्टाइल जब मैं बना रही थी तब दिमाग में मेरा ये था कि मुझे अपने शोल्डर में कोई भी बाल नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसीलिए। बट आप अगर ये हेयर स्टाइल करते हो ना तो नीचे करके अगर बन बनाते हो और उसके नीचे अगर गजरा देते हो तो वो बहुत ही प्रीटी लगती है। बट मेरे पास इस टाइम पे कोई गजरा नहीं था और दिमाग में ये था कि बाल शोल्डर में नहीं आना चाहिए, नेक एरिया में भी नहीं आना चाहिए, तो फिर मैंने इसको ऊपर में ही रखा। तो इसीलिए जो है मेरा ब्रेड जो है आप देखेंगे कि हेयर स्टाइल करने के बाद भी ब्रेड ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे थोड़ा ऊपर से ये ब्रेड स्टार्ट करना था बट जो मैं नहीं किया। और आप लोग अगर ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हो तो प्लीज़ मतलब सेम अगर ऐसे ही क्रिएट कर रहे हो कि आपको आपके शोल्डर में बाल ना आए तो फिर आप ऊपर से अपना ब्रेड जो है वो स्टार्ट कीजिए, तो फिर ब्रेड बहुत अच्छे से दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे जितना भी हुआ मैंने उतना ब्रेड कर लिया है। फिर उसके बाद मैं एक रबर बैंड से अपना पूरा बाल बांध लेती हूँ। और ये जो हेयर स्टाइल है ये छोटे हेयर में भी होगा, बड़े हेयर में भी होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपके जो पीछे लास्ट में जो हेयर लेंथ है, आपका जो हेयर एंडिंग है, उसको रोल करते हुए आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे शोल्डर में कोई भी हेयर नहीं आ रहा है। अगर आप लो बन बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो गजरा के साथ और ये ब्रेड के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रेड बहुत अच्छे से उभर के आता है तो देखने में भी और भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे अकेली थी तो इसीलिए बॉबी पिन के हेल्प से मैं ये पूरा बाल को सिक्योर कर रही हूँ। और आप ये सॉक्स के हेल्प से भी कर सकते हो या फिर कोई जो हेयर टूल है उसके हेल्प से भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे बाल है तो भी आप कर सकते हो, दो फोल्ड करने से आपका हो जाएगा। और अगर आपका लॉन्ग हेयर है तो भी आप फोल्ड करते करते, जैसे कि मेरा लॉन्ग हेयर है, मैं फोल्ड करके करके इस हेयर स्टाइल में मैं पहुंच चुकी हूँ। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जितना भी देख सकते हो कि बॉबी पिन कितना चाहिए नहीं चाहिए उस हिसाब से अपना पूरा बाल जो है सिक्योर कर सकते हो और ठीक ठाक कर सकते हो।
जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा बॉबी पिंस चाहिए, तो फिर मैं और भी ज़्यादा बॉबी पिंस लगा रही हूँ, क्योंकि सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कोई भी हेयर स्टाइल में। अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल लेके बाहर जाते हो और आपका हेयर खुल जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जितना ज़्यादा बॉबी पिन हो उतना ज़्यादा बॉबी पिन लगाइए, जब तक आप सिक्योर फील ना करो। और इसमें मैंने एक भी यू पिंस यूज़ नहीं किया है, सिर्फ बॉबी पिन के हेल्प से ही ये बहुत ही इजी सा एक हेयर स्टाइल बन जाता है। सो मेरा हेयर स्टाइल हो गया है, सामने से ऐसा लग रहा है, पीछे में बहुत नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास फ्लावर है, गजरा है, तो आप लगा सकते हो। मेरे इस घर में नहीं है, मैं अभी मायके में हूँ, वहाँ पे मेरा बहुत सारा ज्वेलरी है, मतलब हेयर एक्सेसरीज था, वो भी मैं लगा सकती थी, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली मैं बन बना रही हूँ, तो सामने से भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही एलिगेंट सा एक लुक देता है। तो मैं अभी डायरेक्टली जाऊँगी फेस पे। तो हेयर मेरा डन है और उसके बाद आते हैं फेस की बारी। तो फेस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फेस पे मैंने मॉइस्चराइज़र, सीरम, टोनर सब कुछ यूज़ किया है, उसके बाद सनस्क्रीन भी यूज़ किया है, क्योंकि ये दिन के टाइम पे मेकअप था। तो दिन के टाइम में मेकअप आप जब भी करते हो तब आप कोशिश करो कि सनस्क्रीन यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लगा रही हूँ प्राइमर, ये नायका का ही प्राइमर है, तो नायका ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो आप प्राइमर लगा भी सकते हो, स्किप कर सकते हो, बट प्राइमर लगाने से आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मैं बहुत बहुत अच्छे से प्राइमर लगाने के बाद यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, मेरा शेड नंबर है 310। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने हाथों की मदद से ये फाउंडेशन जो है वार्म करके मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। आप डायरेक्टली ब्रश के मदद से भी लगा सकते हो, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से लेदर हो जाता है। फिर मैं अपने उंगली के मदद से ये पूरा फाउंडेशन जो है फैला लेती हूँ, तो फिर ब्रश के हेल्प से बहुत ही आसानी होता है इसको ब्लेंड करना, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे थोड़ा सा फेस पे कलर करेक्शन की ज़रूरत है तो आप कलर करेक्शन कर सकते हो, बट मैं इसमें थोड़ा हेवी मेकअप नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई कलर करेक्शन नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं पॉम्पम के साथ और दी के साथ बात कर रही थी, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं पॉम्पम के साथ बात कर रही थी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉरी बोलूँगी, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो शायद आवाज़ें आ सकती है। तो फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद बहुत अच्छे से मैं ब्रश की मदद से यहाँ पे कर रही थी, ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी अपना लूज पाउडर, तो लूज पाउडर मैंने मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर मैंने यूज़ किया है। तो मैं अंडर आई एरिया में ज़्यादा अपना फोकस कर रही थी और बाकी का फेस में जस्ट डस्ट आउट कर रही थी। उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पे ब्लश, तो ब्लश के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आई मैजिक पैलेट का प्रोफेशनल ब्लश पैलेट। ये बहुत ही अच्छा ब्लश पैलेट है जिसमें आपको ढेर सारे कलर्स मिल जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का मैं ब्लश यूज़ कर रही थी, क्योंकि मेरा लिपस्टिक शेड पिंक होने वाली थी, तो इसलिए उससे मैच करता हुआ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी। तो कैमरा में ना ज़्यादा अगर लगाते हो तो ही दिखाई देता है, बट अगर आप ओरिजिनल देखते हो, जैसे कि कैमरा पे आप लोग देख रहे हो कि बहुत ही कम लग रहा है, बट ओरिजिनली बहुत ही ज़्यादा था। तो कैमरा में अगर आप लोग कोई भी मेकअप करते हो तो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो मैंने बहुत ही सटल लगाया। और उसके बाद आते हैं आईब्रोज़ की बारी। तो आईब्रोज़ के लिए मैं बोलूँगी कि मेरा आईब्रोज़ थोड़ा थिक में है, थिन नहीं है, तो जो जिन लोगों का थिन है तो थोड़ा डार्क यूज़ कीजिए। मैं बहुत लाइट यूज़ करती हूँ अपना आईब्रोज़, क्योंकि ऑलरेडी थिक है और ज़्यादा मैं थिक करूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और सामने में मैं बहुत ही हल्का रखती हूँ ताकि नेचुरल लगे, और जो है अपना जो आईब्रोज़ है वो नेचुरल शेप रहना चाहिए, कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा करो तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर रात के टाइम पे आप करते हो तो फिर भी ठीक है, बट दिन के टाइम पे मैं हमेशा नेचुरल मेकअप पसंद करती हूँ, ताकि आपका स्किन ज़्यादा से ज़्यादा दिखे और थोड़ा सा इसमें परफेक्शन दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। तो लाइनर ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। बहुत लोग बहुत बार मुझे बोलते हो कि लाइनर कैसे आप लगाते हो, प्लीज़ दिखाइए। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स दिखा रही हूँ और रियल टाइम दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड के नहीं किया है। तो पहले मैं हमेशा करती हूँ कि मुझे अपने आँखों में स्पेशली विंग लाइनर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं छोटा विंग लाइनर लगाती हूँ, बहुत बड़ा नहीं लगाती हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो मैं पहले लाइन जो है अपना विंग लाइन वो पहले ड्रॉ करती हूँ, और एक ही बार में पूरा इनर कॉर्नर में
अटैच कर देती हूँ तो फिर बहुत अच्छा एक लुक देता है, बहुत इवन लुक आता है। और बीच में जो रहता है, बीच में मैं धीरे धीरे फिल करती रहती हूँ। अगर फिर मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा विंग क्रिएट करना है तो फिर मैं बड़ा करती हूँ, बट पहले मैं एक सटल विंग क्रिएट कर लेती हूँ अपने ऊपर एंड लोअर लैश लाइन के बीचों बीच जो लाइन है, तो वो ध्यान में रखते हुए मैं विंग क्रिएट करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि बहुत ईजी तरीके से, और मैंने यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं किया है, कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, कितना कम समय में मेरा एक लाइनर मैंने ड्रॉ कर दिया है। और सेम मैं दूसरा आँखों में भी कर रही हूँ और देख रही हूँ कि इस आई में कैसे है, क्योंकि कभी कभार मेरा ऐसा भी हो जाता है कि दोनों आँखों में, मतलब दो टाइप में लाइनर ड्रॉ कर लेती हूँ मैं कभी कभार। तो यहाँ पे मैं ठीक वही तरीके से, आप देख सकते हो, पहले मैंने विंग किया है, फिर एक ही बार में, एक ही स्ट्रोक में मैं सामने इनर कॉर्नर तक मैं अटैच कर रही हूँ और बीच में जो गैप है वो मैं फिल कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं हमेशा अपना आईलाइनर जो है वो ड्रॉ करती हूँ, और सामने जो इनर कॉर्नर में थोड़ा सा जगह बच जाती है वो मैं बाद में लगा लेती हूँ। देखिए आप कि एक आई में थोड़ा सा छोटा हुआ है और एक आई में थोड़ा सा बड़ा, तो इसलिए मैंने वो एडजस्ट कर लिया, थोड़ा ठीक तरीके से इक्वल लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आता है मस्कारा की बारी। तो मस्कारा यहाँ पे मैं मेबलिन कॉलोसल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ है। मस्कारा मस्ट है अगर आपके, मेरे जैसे कि आई लैशेस थोड़े बड़े साइज़ में है, थिक नहीं है बट बड़े साइज़ में है, तो ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मस्कारा मुझे थिकनेस देती है। और बहुत सारा मस्कारा आपको लगाना चाहिए क्योंकि हम लोगों का आईज़ जो है, हम लोग ऐसे तो ड्रॉ कर लेते हैं बट मस्कारा कभी कभार स्किप कर देते हैं, या फिर मस्कारा लगाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाते हैं। अगर आपका आई लैशेस उभर के नहीं आएगा ना, तो फिर आपका जो पूरा लाइनर है, मतलब आई मेकअप है, वो उभर के नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे लोड्स ऑफ मस्कारा यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद आते हैं हाइलाइटर की बारी। तो हाइलाइटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो भी है। तो मैं यहाँ पे जैसे यूजुअल एरिया में, हाई चिक बोन्स में, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, फोरहेड और ब्राउ बोन के नीचे इनर कॉर्नर, सभी जगह जो है हाइलाइटेड, जो भी एरिया है वो एरिया मैं हाइलाइटेड कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप थोड़ा सटल हाइलाइटर यूज़ कीजिए, बहुत चंकी वाला हाइलाइटर यूज़ ना कीजिए तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि दिन के टाइम में जस्ट एक सटल ग्लो लगता है कि आपका ये इनर ग्लो है, आप ऐसे ही ग्लो कर रहे हो, ऐसा वाला हाइलाइटर आप यूज़ करो तो भी अच्छा लगता है। ये बहुत ही अफोर्डेबल एक हाइलाइटर, 700 रुपये में आपको हाइलाइटर, कंटूर एंड ब्लश पैलेट मिल जाएगा। ये मेकअप रेवोल्यूशन का एक पैलेट है। तो आप देख सकते हो मैं यूजुअल एरिया में हाइलाइटर लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। सो मेरा फुल फेस ऑफ मेकअप जो है वो डन है, सिर्फ लिपस्टिक्स लगाने की बारी है। आज मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहन रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा पिंकिश टाइप में एक लिपस्टिक यूज़ करूँगी। तो आप लोग चाहो तो न्यूड भी लगा सकते हो। मैंने कोई शेडो वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है, बिना शेडो के, बिना कुछ के। आप लोगों का स्किन अगर फ्लॉलेस है तो फिर आप फाउंडेशन भी स्किप कर सकते हो, जी हाँ। बट मैं आज ये लगाऊंगी, फेसेस कनाडा का मलबरी मैजिक 17, ये शेड मैं अप्लाई करूंगी। सो लिपस्टिक लगाने से पहले मैं यहाँ पे लिप्स को डिफाइन करूंगी एक लिप लाइनर की मदद से। ये मेरी स्विस ब्यूटी की एक लिप लाइनर है, तो पहले मैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। अगर आप लिप लाइनर लगाने के बाद लगाते हो तो आपके लिप्स बहुत अच्छा एक शेप आता है, लिप्स में बहुत अच्छा एक शेप देता है। आप जब भी लिपस्टिक भी लगाते हो ना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही टाइम लेके, मैंने यहाँ पे बहुत कट करके दिया है आप लोगों को, बट रियल टाइम पे मुझे ऑलमोस्ट 2 to 3 minutes लगता है लिपस्टिक अप्लाई करने में। तो मैं बोलूँगी मेकअप आप जब भी करते हो थोड़ा सा टाइम लेके कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किया है बट फिर भी मुझे 30 minutes लगा है ये मेकअप लुक क्रिएट करने में, जो आप लोग बहुत ही कम समय में देख रहे हो। अगर बिंदी लगाने की ज़रूरत होगी तो बिंदी मैं बाद में लगाती हूँ, पहले साड़ी पहन के फुल लुक क्रिएट करके मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, और बिंदी लगा के भी देखूंगी कि अच्छा लग रहा है नहीं। तो मैंने जो भी लुक आज क्रिएट किया है ना, तो वो सभी यूज़, मतलब क्रिएट कर सकते हो, न्यूली ब्राइड जो है ना वो भी क्रिएट कर सकता है, कॉलेज गर्ल भी क्रिएट कर सकता है। बहुत 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 सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत प्रीटी लगती है ये लुक। तो मैं साड़ी पहन के आप लोगों के सामने फुल रेडी होके आती हूँ। सो गाइस, मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा फुल लुक। मैं दिखाती हूँ एक बार फुल लुक, और ये मैंने इयररिंग लगा लिया है जो बहुत ही प्रिटी एक न्यूट कलर में है। गले में कुछ नहीं है, अगर गले में कुछ नहीं पहनना चाहते हो वो भी पहन सकते हो। मेरा ये रेगुलर वेयर है, तो रेगुलर वेयर चेन है, तो इसलिए मैं इसको उतारती नहीं हूँ। और मैंने चूड़ा डाल लिया है और बिंदी भी लगा लिया है एक रेड कलर की। तो ये गया, मैंने
खुला रखा है पल्लू, तो आप पिन करके भी पहन सकते हो। मैं एक बार फुल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वीडियो खत्म करने से पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे वीडियोस आप लोग अगर देखना पसंद करते हो तो मैं डेफिनेटली लेके आऊंगी, मुझे ये सब करना पर्सनली बहुत पसंद है। और टिल देन टेक केयर, बाय।